हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो सीरीज में काफी लंबे समय के बाद एक वीडियो आ रही है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिविजनल अकाउंटेंट के बारे में। डिविजनल अकाउंटेंट काफी लेस नोन पोस्ट है एसएससी सीजीएल की, लेकिन ये काफी अच्छी पोस्ट है। तो इस पोस्ट के बारे में क्या जॉब प्रोफाइल होती है, कितना सैलरी मिलती है, कैसे पोस्टिंग होती है, क्या काम करना पड़ता है और कितने मार्क्स पे आपको पोस्ट मिल जाती है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ आज हैं कुलदीप सिंह और इनका सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2017 के थ्रू हुआ था। तो अभी ये डीए की पोस्ट पे पोस्टेड हैं। कहाँ पोस्टेड हैं और क्या जॉब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो हेलो कुलदीप भाई, कैसे हैं? हेलो अमन जी, बढ़िया। ओके, सो कुलदीप जी, आप एसएससी सीजीएल 2017 से सिलेक्टेड थे डीए की पोस्ट पे। जी, तो क्या रैंक तक बीए की पोस्ट मिल जाती है? क्योंकि मतलब ज्यादातर बच्चों का जो रुझान होता है वो दो ही पोस्ट के लिए आजकल ज्यादा हो रहा है, एक तो एमईए और इनकम टैक्स। ठीक है, तो डीए जो है ये आपकी आई थिंक दिस इज द ओनली पोस्ट इन एसएससी सीजीएल जो कि 4200 ग्रेड पे है। जी हाँ, 4200 की थोड़ी बहुत और है, जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर है, उसका पेपर देना पड़ता है, लेकिन हाँ वो थोड़ा स्पेशलाइज्ड हो जाती है। बाकी 4200 ये है, कभी अगर असिस्टेंट आ जाए बाय द वे तो वो हो जाती है। okay. तो रैंक की बात करेंगे अगर, जी बताइए। हाँ, तो जैसे रैंक की अगर बात करें तो कंपेयर टू अदर 46 एंड 42, जैसे टोटल 1800 पोस्ट थी 2017 में, तो ये अराउंड 1800 के आसपास गया है। इसका जो फाइनल यूआर रैंक है वो 1800 के आसपास गया था, लेकिन 17 में इसलिए कम था क्योंकि 16 में जॉइनिंग नहीं हुई थी डीए की। हाँ। तो ज्यादा नॉलेज नहीं थी फिर, लेकिन जब 18 में हुई है तो 18 इसका मैंने थोड़े फिगर्स देखे थे, तो 18 भी अराउंड 1800 रैंक पर फेल हो गई थी ये। लेकिन ओपनिंग रैंक 18 में बहुत बढ़ गया था, अराउंड 38 रैंक पर ये ओपन हो गया था। 38 रैंक पे ओपन हो गया था, दैट वाज अ मतलब बड़ी थिंग। इसका मतलब ये लोग डीए के बारे में काफी ज्यादा जान रहे हैं अब कि डीए पोस्ट क्या है और इसमें क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। ओके, तो आपने बताया 1800 रैंक तक आपकी डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट मिल जाती है। तो कितनी वैकेंसीज लगभग हर साल डीए में आ रही है? क्योंकि मुझे जितना याद है 16 में शायद बहुत मैं सिलेक्ट हुआ था, उस साल तो बहुत कम वैकेंसी थी, मुझे याद नहीं कि थी भी या नहीं। जी, डीए की एक्चुअली 16 में वैकेंसीज नहीं थी, 17 में आई है इसकी, और एक साथ 600 वैकेंसीज आई थी 17 में। okay. और फिर अभी 18 में आई है, 150 वैकेंसीज थी डीए की टोटल। वैकेंसी थोड़ा कम आ, तो हाँ वैकेंसी और अभी आगे चल के कम ही होने वाली है, अंटिल अनलेस बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट करें, जो कि डीए में ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है नहीं। तो अगर इनकेस ड्रॉप आउट होता है तो फिर वैकेंसीज आ सकती हैं, लेकिन सीएजी क्या करता है, डीए की वैकेंसीज को ओवर द टाइम कलेक्ट करता है और फिर एटलीस्ट 100 वैकेंसीज निकालता है, कम से कम 100 प्लस होंगी तभी निकालेगा। मतलब 1800 से कम होती है तो जल्दी नहीं निकालता इसका मतलब, इसीलिए जो गैप है वो ज्यादा हो जाता है कि कई बार तक गैप नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले तो भैया ये बताओ कि आप डीए हो, डिविजनल अकाउंटेंट, किस डिपार्टमेंट के अंदर ये डीए आता है और आपकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है? क्योंकि डीए तो सुना है बट किस डिपार्टमेंट के अंदर डीए आता है? तो ये थोड़ा सा एक्चुअली ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है डीए का, क्योंकि जिस तरह से मतलब गवर्नर का स्ट्रक्चर होता है ना, एक तरह से कि ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल वर्किंग इन द स्टेट, तो वैसे ही कुछ डीए के साथ भी है। हम लोगों का जो कंट्रोलिंग कैडर होता है वो सीएजी होता है, यानी कि इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट जो होता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, तो जिसको हम सीएजी के नाम से भी जानते हैं। तो वो हम लोगों का कंट्रोलिंग कैडर होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के जो वर्क डिपार्टमेंट होते हैं, पब्लिक वर्क्स के डिपार्टमेंट, जैसे पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैं स्टेट गवर्नमेंट के, इनके ऑफिसेज में हमको अटैच करता है। और कंट्रोलिंग कैडर लेकिन सेंट्रल का होता है, पे स्ट्रक्चर सेंटर का होता है, लेकिन आप एज अ स्टेट के एम्प्लॉय ही काम कर रहे होते हो वहां पर जब होते हो, तो बेसिकली आप कैग के एम्प्लॉय होते हो, बट आपको पोस्टिंग जो है वो स्टेट के ऑफिसर्स में दी जाती है, लाइक पीडब्ल्यूडी, और आपने दो ऑफिस और बताए थे, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और एक और था इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन और पब्लिक इरिगेशन, ये तीन डिपार्टमेंट्स में आपको पोस्टिंग मिलती है। ओके, तो इसकी जो आपकी ज्वाइनिंग होती है उसमें कहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी ये कैसे पता लगता है,
क्या वो जब ज्वाइनिंग लेते हैं तो क्या प्रेफरेंस आपसे पूछते हैं कि आप इन इन जगह पर कोई प्रेफरेंस कर सकते हैं? जी, तो इसका एक्चुअली प्रोसीजर हम लोगों का जो हुआ था वो ये हुआ था कि जब एसएससी के डोजियर सीएजी के पास पहुंच गए थे तो सीएजी ने अपने पोर्टल पर एक लॉगिन ओपन किया था रजिस्ट्रेशन करने का, तो उसमें हम अपना सारा डिटेल्स डाल सकते थे, अपनी रैंक डाल सकते थे, रोल नंबर डाल सकते थे और फिर उसी में अपना स्टेट्स का प्रेफरेंस डाल सकते थे। तो जब स्टेट का प्रेफरेंस डालते हैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये होता है कि सीएजी कभी भी वैकेंसी रिवील नहीं करता है कि किस स्टेट में कितने डीए की वैकेंसीज हैं, तो आप स्पेक्यूलेट नहीं एग्जैक्टली कर पाते हो कि आपको कौन सा स्टेट मिल सकता है या किस में ज्यादा इस बार भरा जाएगा। फिर जब आप स्टेट प्रेफरेंस फिल कर देते हो उसके बाद सीएजी आपको प्रेफरेंस का मेरिट बेसिस पर स्टेट अलॉट कर देता है और स्टेट अलॉटमेंट के बाद आप रिस्पेक्टिव एजी ऑफिस में जाकर ज्वाइन करते हो और वो फिर आपको आपका वर्क लोकेशन पे पोस्टिंग देता है जो रिस्पेक्टिव एजी ऑफिस है वो। ओके ओके, तो बेसिकली ये है फंडा कि आपको मतलब सीएजी जो है पोस्टिंग सीएजी के थ्रू होती है, आपको वो प्रेफरेंस पूछते हैं, लेकिन चूंकि डीए की कभी भी स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं पता लगती है तो ये थोड़ा सा इसमें ड्रॉबैक रहता है कि लोगों को ये मालूम नहीं चल पाता है कि किस स्टेट में या किस लोकेशन पे वो पोस्टिंग पा सकते हैं, और शायद ये एक कारण है जिसकी वजह से कई बार लोग डीए ऑप्ट नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि उनको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। अगर मतलब और जैसा कि मैंने देखा है एसएससी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है लोगों का नॉर्थ पोस्टिंग में क्योंकि ज्यादातर नॉर्थ इंडियंस पेपर दे रहे होते हैं, सभी को नॉर्थ में पोस्टिंग चाहिए होती है और वो एक चक्कर इसमें फंस जाता है। तो बेसिकली आपको प्रेफरेंस मतलब आप मेरिट पे बेस पे प्रेफरेंस मिलेगी लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा कि वो पोस्टिंग होगी कहाँ पर। ठीक है, राइट राइट। तो ओके अच्छा, आप जैसे मान लीजिए आपको छत्तीसगढ़ मिला तो आप में से आपके से जो आपके साथ में जो लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी आप में से किसी बाकी बच्चों को जैसे आप बाकी लोगों से भी कनेक्टेड रहे होंगे तो कौन कौन से स्टेट्स में ज्यादातर बच्चे गए हैं? जी, हम लोगों के टाइम पर एक्चुअली क्या था कि अभी तक राजस्थान एक ऐसा कैडर था जो नॉर्थ में काफी डिमांड में रहता है, बट राजस्थान में डीए की वैकेंसीज बहुत टाइम तक नहीं आई थी, कुछ कोर्ट केस वगैरह का चक्कर था, तो जो डीए काम कर रहे थे वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, पर क्योंकि एजी वो केस जीत गया तो फिर अब इस बार से एजी में पोस्टिंग आनी थी, तो राजस्थान में काफी ज्यादा पोस्टिंग आई है, अनएक्सपेक्टेड पोस्टिंग थी वो। बिहार में काफी पोस्टिंग आई है और बाकी नॉर्थ में यूपी एमपी मतलब काफी इवनली डिवाइडेड था, बहुत ज्यादा ऐसा मतलब कॉन्सेंट्रेटेड किसी एक स्टेट में नहीं आई है, काफी इवनली डिवाइडेड था। जी, ये अच्छी चीज है मतलब कि बाकी जगह स्टेट्स में भी वैकेंसीज थी क्योंकि मुझे मैं एक दो बार एक मिला भी हूँ डीए से, तो कोइंसिडेंटली आप भी छत्तीसगढ़ से हो और मैं पिछले जिस एक डीए से मिला था वो भी छत्तीसगढ़ से, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा है क्या कि कुछ छत्तीसगढ़ में ज्यादा वैकेंसी आती है इस वजह से ऐसा है कुछ, तो वो वैसा है नहीं मतलब वो मेरा एक। जी जी, वैसा नहीं। ठीक है ठीक है। अच्छा, आपने मान लीजिए एक बारी आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो आपकी इसमें आपका ट्रांसफर पॉलिसी क्या रहता है, आपका ट्रांसफर वगैरह मिलता है इसमें? जी, तो ट्रांसफर पॉलिसी क्या है कि एजी ऑफिस टू एजी ऑफिस भी डिफर करता है, बट एक जनरल ट्रांसफर पॉलिसी ये है कि हर 3 साल में आपको उस पर्टिकुलर डिवीजन जहां पर आप पोस्टेड हो वहां से आपको ट्रांसफर लेना है एवरी 3 ईयर्स। तो ऐसा हम लोगों के यहाँ पर ये पॉलिसी है जैसे कि एक स्टेशन मैक्सिमम आप 6 ईयर्स तक रह सकते हो, एक स्टेशन एज एन एक डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए या 2-3 डिस्ट्रिक्ट का समूह कह लीजिए, है ना, तो उस डिस्ट्रिक्ट में आप 6 साल तक यानी कि 2 पोस्टिंग कंटिन्यूस रह सकते हो लॉन्गेस्ट अगर रहना है तो, फिर उसके बाद आपको मूव करके किसी तीसरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है, तो एवरी 3 ईयर्स आपको रोटेशन चालू रहता है। सो कैन यू चेंज योर स्टेट एज वेल? हाँ, इंटर स्टेट इसमें पॉलिसी एज अ ट्रांसफर पॉलिसी जनरल ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, म्यूचुअल है, म्यूचुअल आप ले सकते हैं बट आपका कैडर सेम होना चाहिए, मतलब जिस लेवल पर आप हैं वही लेवल पर होना चाहिए, अगर डीए हैं तो डीए होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि डीए का सीनियर डीएओ से चेंज हो जाए, एंड सेकेंडली आपका कैटेगरी सेम होना चाहिए, जो यहाँ पर है आपका जनरल ओबीसी या रिजर्व कैटेगरी वो सेम होना चाहिए। ठीक, तो ये उसके लिए जनरल एक वो है। बेसिकली आप इंटर मतलब स्टेट के अंदर ट्रांसफर होता रहेगा डिस्ट्रिक्ट में बट इंटर स्टेट ट्रांसफर नहीं होगा, उसके लिए आपको म्यूचुअल मतलब होना चाहिए, यानी कि एक और डीए जो मान लीजिए आपको अगर यूपी आना है तो यूपी में कोई डीए पोस्टेड हो और वो छत्तीसगढ़ जाता हो तो ये पॉसिबल हो सकता है, यू कैन स्वैप द लोकेशंस। ओके, उसमें भी एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि जैसे आपने स्वैप किया है अगर दोनों में से कोई एक बंदा भी छोड़ता है
तो फिर आप रिवर्ट हो जाते हो अपने ओरिजिनल उस पे. तो वो दोनों को कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है, उतने साल कंटिन्यूस उनको जॉब करनी है, उसके बाद फिर आप छोड़ सकते हो अगर आपको छोड़ना है तो. ठीक है, ये चीज है. ओके. अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे बाकी पोस्ट में स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर होता है, तो क्या इसमें स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर होता है? जी, तो अगर मान लीजिए आपका स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर तो नहीं होता. जी हाँ जी, कंटिन्यू. जी जी हाँ, तो स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर तो नहीं होता, बट अगर आपका कुछ कंसिडरेशन किया जा सकता है तो वो विद इन द सेम स्टेट ही आपको एजी ऑफिस कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर देगा जो आपके लिए नियरेस्ट होगा. मतलब ये उनके डिस्क्रिशन पे है टोटली. आपका स्टेट चेंज एजी ऑफिस नहीं कर सकता स्पाउस बेसिस पर. ओके. अच्छा, 4200 ग्रेड पे होता है, तो इसकी सैलरी कितनी बन जाती है इस पोस्ट में? हाँ, तो सैलरी का थोड़ा सा इसमें इश्यू इसलिए आता है क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग है जनरली जेड सिटीज में होगी, और 4200 और 4400 में आप देखेंगे तो काफी बेसिक पे में बहुत बड़ा डिफरेंस है, अराउंड 10,000 रुपीज का डिफरेंस है रफली. तो आपकी सैलरी इसमें एक्स सिटीज में अराउंड 42 बनती है अभी करेंटली जो DA के रेट्स चल रहे हैं और सब चीज को कंसिडर करते हुए. इन हैंड आपका 42,000 समथिंग आता है अगर आप सेल वन पे शुरू कर रहे हैं. बट मतलब दैट विल बी अराउंड 45-46,000 ग्रॉस. हाँ हाँ, ग्रॉस आपका 46 के अराउंड बनता है. ओके, ठीक है. अच्छा, जैसे मान लीजिए आप जब पोस्टिंग हो जाती है आपकी, अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी कहाँ पोस्टिंग है वो हम नहीं छोए उसको पूछते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर कोई बंदा PWD में पोस्टेड है तो उसका काम बेसिकली क्या होता है? क्योंकि अभी वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठ रहा है, तो वहां पे उसका काम क्या रहता है और उसका ऑफिस टाइमिंग क्या रहता है, और ऑफिस टाइमिंग क्या रहता है, लीव का क्या प्रोसीजर रहता है? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑडिटर है, तो अगर वो कैग में ऑडिटर है तो AG ऑफिस में रिपोर्ट करेगा, वहां पे AG ऑफिस का टाइम है 9:30 to 6, उसको उस टाइम पे जाना पड़ेगा, सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा, सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट की लागू होंगी. बट चूंकि अब आपके केस में आप स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठ रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, मतलब काम से लेके और आपकी लीव का प्रोसीजर और अटेंडेंस का प्रोसीजर, जॉब टाइमिंग का प्रोसीजर क्या है? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि बाकी सारी पोस्ट से एकदम ही डिफरेंट हो जाता है DA में, क्योंकि आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपके चलेंगे उस रिस्पेक्टिव ऑफिस के हिसाब से जहाँ पे आप पोस्टेड हो. तो सिंस इट इज अ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस, तो आपका हो सकता है 6-day week हो, पहली चीज. जरूरी नहीं आपको 5-day week मिले सेंटर जैसे, जैसे छत्तीसगढ़ में है तो वहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड सैटरडे ऑफ रहता है, तो इस तरह से भी हो सकता है. और वहाँ का जो टाइमिंग्स रहेगा, जैसे 10-5 भी मिल सकता है आपको, इस तरह का टाइमिंग आपको जरूरी नहीं है सेंट्रल वाला मिले. मतलब वो आपका रिस्पेक्टिव स्टेट पे डिपेंड करेगा कि वहाँ के ऑफिस का टाइमिंग क्या चल रहा है. तो टाइमिंग्स का तो ये है, लीव का ऐसा रहता है, लीव एंड अटेंडेंस भी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी. और विद इन द सेम स्टेट भी ऐसा हो सकता है कि अगर आप कहीं बिल्कुल डिस्टेंट रिमोट लोकेशन पे पोस्टेड हैं तो वहाँ पे अटेंडेंस के लिए हो सकता है कुछ भी ना हो, सिर्फ रजिस्टर एक मेंटेन करते हो. और वहीं सेम स्टेट में अगर आप बिल्कुल कैपिटल के किसी ऑफिस में पोस्टेड हैं, किसी हाई प्रोफाइल ऑफिस में पोस्टेड हैं, हो सकता है आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रोसीजर भी हो. सो जो रिस्पेक्टिव स्टेट है और जो रिस्पेक्टिव इनफैक्ट ऑफिस है, उधर पे जो प्रोसीजर चल रहा होगा वो होगा. और नाउ कमिंग टू लीव्स, लीव्स का इस तरह से होता है कि जो आपको लीव अलॉट होती हैं वो सेम वही रहती हैं जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अलॉटेड हैं. और जो जो एक रीजनल लीव्स रहती हैं जो वहाँ का लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देता है, वो आपका वही ऑफिस वाला चलेगा. अगर ऑफिस के लिए छुट्टी है तो आपकी छुट्टी रहेगी. लेकिन लीव के लिए आप एप्लीकेशन वगैरह किसको एड्रेस करते हो? जो डिवीजन का हेड है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आप उनको एड्रेस करते हो एज अ सुपीरियर, आपके लिए वो है वहां पर मौजूद. तो छुट्टी लेने के लिए आपको अपने AG ऑफिस में संपर्क करना पड़ता है, और बाकी जो ऑफिस के सारे नियम है आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे जो जिस ऑफिस में आप बैठ रहे हैं. हाँ, नहीं, छुट्टी के लिए आपको AG ऑफिस को नहीं संपर्क करना है, जो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जिनके ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हुई है. अच्छा, 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 आपको उनको लिखना है, उनको एड्रेस करना है छुट्टी के लिए, वो फॉरवर्ड करेंगे और फिर AG ऑफिस आपके जो लीव अकाउंट है उसमें से लीव्स डिडक्ट करेगा. तो छुट्टी लेने में दिक्कत आती है क्या? मतलब क्योंकि जैसे आपने बताया सुनने में लंबा प्रोसीजर लग रहा है, तो क्या मतलब प्रॉब्लम आता है छुट्टी लेने में या आसानी से मिल जाती है? जी, प्रॉब्लम इन जनरल तो नहीं आता है. अगर आपका काम क्लियर है और कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्क उस टाइम नहीं चल रहा है, नहीं आने वाला है,
तो जनरली इंजीनियर्स जो रहते हैं वो कोऑपरेटिव रहते हैं, किसी तरह से आपको दिक्कत नहीं कर सकते। अब अगर पर्सनल लेवल पर कुछ आपका कंफ्लिक्ट है तो प्रॉब्लम कर सकते हैं, बट इस तरह से कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं आता छुट्टी लेने की। मतलब इन जनरली मैं पूछ रहा था कि कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, अच्छा जैसे आपने बताया कि ये चीज मैंने मतलब मुझे जो आपसे पहले मेरी जिन डीए से एक बार बात हुई थी उन्होंने ये कहा था कि मतलब डीए में एक खास बात ये है कि हमारा कोई अटेंडेंस रजिस्टर नहीं होता है। ही सेड दैट, आई डोंट नो कि कितना सही है, बट आप जैसे बता रहे हैं कि वो अटेंडेंस आपकी उस ऑफिस में होती है, तो क्या मतलब ऐसा है क्या कि अटेंडेंस उतना मतलब स्ट्रिक्टली नहीं होती जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में होती है? हाँ, जैसे सेंटर का तो अभी क्या पूरा बायोमेट्रिक हो गया था, और बायोमेट्रिक नहीं भी होता है तो रजिस्टर रहता है। सेंटर में एसएससी के जॉब्स में डिफरेंस ये आ जाता है कि आपका सुपीरियर रहेगा, डायरेक्ट सुपीरियर आपका रहेगा, तो उस पे आपकी अटेंडेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको हमेशा रिपोर्ट करोगे। यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन से आप चला सकते हो। सपोज आप किसी दिन नहीं आ पा रहे हो, आप इन्फॉर्म कर सकते हो, आपका मतलब कोऑपरेट किया जाता है, क्योंकि किसी तरह का पब्लिक डीलिंग वगैरह नहीं है, कोई डायरेक्ट सुपीरियर नहीं है, तो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा फ्री रहते हो आप। बट अगेन ये चीज स्टेट टू स्टेट एंड ऑफिस टू ऑफिस डिफर कर सकती है। जैसे बिहार में अटेंडेंस को लेकर काफी लेटरबाजी भी हुई थी कि बिहार में बायोमेट्रिक अटेंडेंस इंट्रोड्यूस हुआ था जब, तो वो चीज भी होती है, मतलब लोकल लेवल पर हो सकता है कंफ्लिक्ट। ठीक है, अच्छा आपका काम क्या रहता है? आप जब सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठते हैं तो आपका काम क्या रहता है? एक चीज दूसरी, सोशल स्टेटस, जैसा मैंने जाना है, मैंने यही सुना है कि डीए को काफी रिस्पेक्ट मिलती है ऑफिस में, क्योंकि वो एकमात्र ऑफिसर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में, और मतलब यही काम एक तो हो गया, और कितना सोशल रिस्पेक्ट मिलती है और क्या कैबिन वगैरह मिलता है, क्योंकि मैंने सुना है कि कैबिन भी मिलता है। तो पहले जी जी तो पहले बात कर लेते हैं काम की नेचर ऑफ वर्क जो रहता है हम लोगों का, वो क्या है, जो हमारी पोस्टिंग हुई है उसका पर्पस क्या है, उसके तीन पर्पस हैं बेसिकली। पहला है कि रिकंसिलेशन ऑफ वर्क अकाउंट्स, क्योंकि हमारी पोस्टिंग ऐसे डिपार्टमेंट में होती है जहाँ पब्लिक का पैसा स्पेंड किया जा रहा है इन पब्लिक वर्क्स, तो आपको उस चीज का एक अकाउंट रखना है और टाइम टू टाइम उसे रिकनसाइल करना है कि हाँ कोई किसी तरह का डिफरेंस तो नहीं आ रहा, जो पैसा खर्च हुआ है और जो आपके बिल्स में दिख रहा है वो पैसा सेम है या नहीं है। पहली चीज तो ये रिकंसिलेशन है। दूसरा है एज एन इंटरनल चेकर, कि जो भी पब्लिक वर्क होते हैं उनको इंजीनियर्स कराते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर्स रहते हैं, सब इंजीनियर्स रहते हैं, वो लोग काम कराते हैं, तो वो काम को रिकॉर्ड करते हैं, एक MB बोलते हैं बुक रहती है एक, उसमें मेजरमेंट बुक में कि कितना काम हुआ है, तो आपको उसको चेक करना है कि टाइम टू टाइम जो बिल आ रहे हैं उसके साथ MB पे भी रिकॉर्ड हो रहे हैं कि नहीं, तो ये एक इंटरनल चेकर का काम है। और तीसरा काम रहता है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो जिनके ऑफिस में आप बैठ रहे हो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के, उनके आप फाइनेंशियल एडवाइजर हो, उनको आप साउंड फाइनेंशियल एडवाइस देते हो। जैसे इस रोल में क्या आता है, टेंडरिंग वगैरह जब होती है तब आपका रोल बढ़ जाता है, किसी भी चीज का टेंडर निकला तो आप उसमें अपने इंजीनियर के साथ आप उनको एडवाइस करोगे। ये चीज, ये तीन रोल्स है मेजरली वर्क के। और इसके अलावा जो सोशल रिस्पेक्ट का आपने पूछा, तो सोशल रिस्पेक्ट हाँ डीए की, मुझे लगता है, मुझे भी पर्सनल लेवल पर लगता है SSC के बाकी जॉब से बेटर है, क्योंकि आप अकेले रहते हो, सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव रहते हो आप, और आपको साइनिंग अथॉरिटी रहती है, ग्रीन इंक मिलती है आपको, ग्रीन इंक से साइनिंग अथॉरिटी रहती है आपकी, तो आप जो भी लिखते हो वो काफ़ी मैटर करता है, इस वजह से आपकी सोशल रिस्पेक्ट भी रहती है, आपको सबऑर्डिनेट भी मिलते हैं, आपके अंडर एक क्लर्क भी काम करेगा जो पूरे अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा, आपको साइन करना रहेंगे। और क्योंकि जो डबल सिग्नेचर, मतलब इसमें दो तरह के स्टेट्स रहते हैं, डबल सिग्नेचर सिंगल सिग्नेचर, तो डबल सिग्नेचर स्टेट्स वो रहते हैं जहाँ पे आपका साइन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, तो अगर आप इस तरह के किसी स्टेट में हैं तो आपकी काफी बढ़ जाती है सोशल रिस्पेक्ट। ये है तो, और कैबिन मिलता है आपको? हाँ, जनरली आपको एक अलग से कैबिन, सेपरेट कैबिन मिलेगा, या फिर जो अकाउंट्स का पूरा विंग होगा, अकाउंट्स के लिए जो हॉल होगा उसमें आपका अलग से बड़ा सा टेबल, सबसे बड़ा टेबल आपका ही रहेगा अकाउंट्स में, या फिर आपको केबिन मिलेगा तो एक सेपरेट पूरा रूम मिलेगा। बेसिकली मतलब काफी रिस्पेक्ट रहती है, क्योंकि अच्छा आपके नीचे, आपने जैसे बताया आपको दुबई में, पूछने वाला था क्योंकि अगर आप अकेले सेंटर की तरफ से होते होंगे तो शायद काम बढ़ जाता होगा, लेकिन आपने बताया क्योंकि दो तीन नीचे सबऑर्डिनेट रहते हैं तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रहते हैं। जी नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं रहते, वो स्टेट गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉयज रहेंगे, क्लेरिकल लेवल पर रहते हैं वो, उनका काम रहता है बेसिकली अकाउंट्स प्रिपेयर करना, जैसे SAC बोलते हैं, सीनियर अकाउंट्स क्लियर,
तो उनका काम रहेगा अकाउंट्स प्रिपेयर करना, आपको उन अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज करना है बेसिकली। फिर तो काफी वैल्यू हो जाती होगी, क्योंकि आपने बताया कि ग्रीन इंक मिलती है, काफी बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि डीए के अलावा एसएससी की कोई भी ऐसी पोस्ट है जिसमें किसी को ग्रीन इंक मिलती हो। 90% जॉब्स में आपको इनिशियल्स बनाने का ही राइट मिलता है, दैट्स द हार्श ट्रुथ। आपको मतलब लगता है कि आप बहुत बड़े ऑफिसर बन रहे हैं एसएससी से, बट दैट्स द हार्श ट्रुथ दैट आप 90% जॉब्स में आप सिर्फ इनिशियल्स बनाने का राइट रखते हैं, एक्सेप्ट डब्ल्यू डब्ल्यू में आप साइन कर सकते हैं। लेकिन इस डीओ की पोस्ट में अगर आपको ग्रीन इंक से सिग्नेचर करने का मौका मिल रहा है, दैट्स अ ह्यूज थिंग। वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उन्हें ही ग्रीन इंक से साइन करने का अथॉरिटी होता है। इट्स अ मतलब ग्रेट थिंग, आई थिंक कुलदीप विल एग्री विद इट। जी 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 डेफिनेटली। Okay, so I think we have talked about job profile. Now, what is the promotion promotion aspect? Promotion होता है, कितने time में होता है और क्या system रहता है promotion का? Okay, so promotion मतलब बहुत slow तो नहीं कहेंगे, exercise जितना slow भी नहीं है, but ASO जितना तेज भी नहीं है, काफी average सा है promotion। Around आप शुरू में जब आप join करते हो as a probationer करते हो, 2 साल के probation के बाद आप divisional accountant बनते हो, ठीक है? It stays 4200 for another 5-6 years. उसके बाद आप बनते हो DAO2, which is a 4600 grade पे, Divisional Accounts Officer grade 2. फिर वो आप 6-8 साल रहते हो, फिर Divisional Account Officer grade 1 बनते हो, वो आप 8-10 साल रहते हो, and right before your retirement, आप Senior DAO बनते हो, 5400. तो वो आप right before retirement, like 2-3 years before retirement बनते हो। और इन सब में प्रमोशन में क्या है, बाकी जॉब्स में आपका नेचर ऑफ वर्क चेंज हो जाता है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, नेचर ऑफ वर्क चेंज हो जाता है, बट डीए में क्या होता है कि पूरा वर्क अभी आपका सेम रहता है, कोई वर्क नहीं होगा, सिर्फ आपका जो है वो हायर बजट वाला डिविजन होता जाता है। जैसे आप आते हो तो हो सकता है जिस डिविजन में आप हो वहाँ 1 करोड़ का बजट हो एनुअल बजट, लेकिन जब आप रिटायर हो रहे हो तो वहाँ पे 20 करोड़ का हो, 3 करोड़ का बजट, ऐसा हो जाता है। तो जिस हिसाब से बता रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है जिस ऑफिस में आप बैठ रहे हैं वहां पर एक डीए बैठ रहा हो और वहां पर एक डीएओ भी बैठ रहा हो, क्योंकि वो ज्यादा बजट वाली चीजें देखेगा। ऐसा होता है? नहीं नहीं नहीं, इस तरह से नहीं होता है। जो आपका पोस्टिंग होती है वो एक डिविजन में एक ही डीए बैठता है। अगर डिविजन छोटा होगा तो वहां पे डीए को भेजा जाएगा, डिविजन बड़ा होगा तो वहां पे डीएओ को भेजा जाएगा। ओके, वैसा हो जाता है। वही मैं सोचूं कि अगर आप नेचर ऑफ वर्क सेम है तो फिर तो एक जगह पे दो हो जाएंगे। ओके ठीक है। तो अच्छा, 4200 से आप पहले 4600 जाते हैं? जी जी जी, 42 46 48 एंड 54। ओके ठीक है। तो प्रमोशन भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि प्रमोशन नहीं है, एकदम स्लो है। प्रमोशन की अगर आप बात करो तो मतलब एक्सेप्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई डोंट थिंक किसी भी पोस्ट में एक्सेप्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और ऑडिटर की मैं एक एक्सेप्शन कहूंगा। ऑडिटर का क्यों मैं भी बताता हूँ, लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के अलावा मुझे नहीं लगता किसी भी ऐसी पोस्ट है जिसमें बहुत तेज प्रमोशन है। इवन आपने एएसओ बोला, एएसओ में भी मेरी जिनसे बात होती है ज्यादातर लोग ये कहते हैं 6-7-8 साल में ही प्रमोशन होता है। मतलब इट्स अ मिथ कि एएसओ का प्रमोशन जल्दी होता है, बाकी रियलिटी से इसका कोई वास्ता नहीं। और ये ऑडिटर का मैंने इसलिए कहा क्योंकि ऑडिटर में आप एसएएस देकर डब्ल्यूओ बन सकते हो, तो वो एक वहां पे एज है। बाकी किसी भी पोस्ट में इतना तेज प्रमोशन नहीं है, मतलब ज्यादातर पोस्ट में प्रमोशन एक एज, जिसमें भी डीए में भी आप एसएएस दे सकते हो, आफ्टर योर प्रोबेशन यू बिकम एलिजिबल फॉर एसएएस। ओके, तो अगर आप एसएएस दे देते हो तो आप डब्ल्यूओ बन जाओगे। हाँ जी, आप फिर आपकी पोस्टिंग, ये वाला कैडर आपका पूरा खत्म हो जाएगा, आप जो एजी का कैडर होता है उसमें आप आ जाओगे, फिर आप एज अ डबल ए चेंज हो जाएगा, पूरा एकदम फेसलिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ फिर वो पूरा चेंज आएगा, आप पूरा सेंटर में आ जाओगे फिर। ठीक है। आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते हैं जहां पर आप रहते हैं? गवर्नमेंट क्वार्टर्स जनरली, एक तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जेड सिटीज होती हैं, जेड लोकेशन होती हैं, तो आसपास गवर्नमेंट क्वार्टर होना बहुत ही मुश्किल है। बट अगर आप किसी ऐसी सिटी में हैं जहाँ पे आप जिस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं उसके क्वार्टर्स हैं, तो आप स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी ले सकते हैं क्वार्टर्स, आप अप्लाई कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे आपको क्वार्टर अलॉट हो जाता है। और अदरवाइज अगर वहाँ पे सेंटर के हैं इनकेस,
तो आप सेंट्रल के थ्रू भी अपना लेटर वगैरह लाके ले सकते हैं क्वार्टर्स, बट ऐसा बहुत कम होता है, मतलब डीएस में तो क्वार्टर लेना बिल्कुल प्रेवलेंट नहीं है ऐसे। हाँ, क्योंकि एक रीजन ये भी होता है क्वार्टर्स के लिए काफी बच्चे मतलब पूछते हैं सवाल मेरे से, इसलिए मैंने बताया। बट एक चीज ये है कि ज्यादातर क्वार्टर्स की डिमांड जो है वो एक्स सिटी में होती है, जो भी वाई या जेड सिटीज होती हैं वहां पर कभी भी कोई भी इम्प्लॉई मैंने नहीं देखा है कि जो क्वार्टर्स की डिमांड कर रहा हो। रीजन बीइंग ये होता है क्योंकि एक्स सिटी में आपको 24% एचआरए मिलता है, लेकिन जैसे दिल्ली है या मुंबई है वहां पर कॉस्ट वो 24% से ज्यादा बैठ जाती है रेंट की, इसलिए लोग वहां क्वार्टर्स लेना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप वाई सिटी या जेड सिटी में आते हैं तो वहां पर 16% और 8% मिलता है एचआरए, जो कि वहां की जो रेंट कॉस्ट होती है उससे ज्यादा होता है, इसलिए लोग ऑब्वियसली पैसा बचाना चाहेगा कोई, और अगर आप एक बार ही क्वार्टर ले तो आपका एचआरए खत्म हो जाता है उसमें से, तो इसलिए लोग प्रिफर नहीं करते हैं वाई और जेड सिटी में क्वार्टर्स के लिए। ठीक है, ओके, सो बेसिकली आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट टच्ड ऑल द पॉइंट्स, बट एक ओवरऑल ओवरव्यू आपके हिसाब से इस जॉब का कैसा है, हाउ डू यू थिंक दैट दिस जॉब इज एंड एज कंपेयर टू अदर पोस्ट। आप इससे पहले आप तो शायद अकाउंटेंट थे पोस्टल डिपार्टमेंट में। जी, पोस्टल बाकी आप सभी से कनेक्टेड हैं जॉब वाले व्यक्ति से, तो कैसा लगता है, मतलब आपको क्या लगता है किस तरीके की जॉब है, क्योंकि कुलदीप आपको भी मालूम है इसके बारे में, उन्हीं बच्चों को ज्यादा पता होता है जो बहुत एसएससी में इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे आपने भी जब तैयारी करना शुरू किया होगा तो शायद आपको भी सबसे ज्यादा पता होगा, तो वो आपको इनकम टैक्स, एक्साइज, एग्जामिनर, एमईए, एएसओ, इन सारी पोस्ट के बारे में लोगों को नॉलेज होती है, लेकिन जेएसओ के टीए के बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं होती है। तो क्या लगता है कि मतलब ये लेस नोन क्यों है एंड किस तरीके की पोस्ट है, आप ओवरऑल आपका व्यू पॉइंट क्या है? तो देखिए, लेस नोन तो इसलिए है क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली ये नहीं आती है, और मुझे लगता है कि जैसे अभी 18 में आ गई, आगे इसका बहुत ज्यादा आना शायद ही हो क्योंकि इसका ड्रॉप आउट रेट कम है, बहुत तो रेगुलरली नहीं आती है। बाकी जो ओवरऑल मुझे एक ओवरऑल व्यू मिला है उसके हिसाब से ये कहूंगा कि देखिए, सबकी डिमांड अपनी जॉब से डिफरेंट रहती है, किसी को मेट्रो सिटी नहीं छोड़ना है, किसी को स्मॉल टाउन में अच्छा लगता है, तो जिनको स्मॉल टाउन चल जाता है उनके लिए बहुत अच्छी है। डीए में ऐसा बोला जाता है कि आपको होम पोस्टिंग मिली तभी अच्छा है, नहीं तो नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि होम इज वेयर द हार्ट इज, अगर आपको कोई ऐसी जगह मिल गई जहाँ पर आपको ज्यादा कल्चरल बैरियर या लैंग्वेज बैरियर नहीं है, क्योंकि साउथ में भी सारी स्टेट्स में नहीं है, ये सिर्फ तमिलनाडु में साउथ में, और बाकी स्टेट्स में डीए की नहीं है जॉब, तो जनरली आपको नॉर्थ ही मिलने के चांस ज्यादा रहते हैं इसमें, या फिर नॉर्थ ईस्ट मिल जाए अगर बहुत ज्यादा ही मार्क्स खराब है तो नॉर्थ ईस्ट मिल जाएगा। लेकिन ओवरऑल जॉब उनके लिए अच्छी है जिनको एक रिलैक्स लाइफ चाहिए, जिनको बहुत ज्यादा मतलब बॉसिज्म से जो ग्रसित रहते हैं, जिनको सुपीरियर नहीं चाहिए अपना कि कोई मुझे बताए कि मैं कब छुट्टी ले सकता हूँ, कब आता हूँ जाता हूँ, तो उनके लिए अच्छी है। जिनको आगे के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है फॉर हायर एग्जाम्स लाइक यूपीएससी और पीसीएस वगैरह की जिनको प्रिपरेशन करनी है उनके लिए बहुत अच्छा है। या अगर आपको एसएससी की मन की जॉब अभी नहीं मिल रही, जैसे आपको एमईए चाहिए, आपको लगता है इस बार नहीं मिलेगी, आप डीए लेकर फिर से प्रिपेयर कर सकते हो, एक चांस और दे सकते हो। मतलब डीए गिव्स यू एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, अभी के जो वर्किंग चल रही है उसके हिसाब से डीए गिव्स यू एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, पीस ऑफ माइंड, बट आपको सैलरी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बिकॉज इट इज अ 4200 जॉब एंड इन अ जेड सिटी इट इज इट गेट्स वर्स देन अ 2800 जॉब इन अ एक्स सिटी। मैंने रियलाइज तब किया क्योंकि मैं 2800 हैदराबाद में था एंड आई वाज अर्निंग मोर देन व्हाट आई एम अर्निंग नाउ इन जेड सिटी 4200, तो वो चीज आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी सैलरी से। बाकी मतलब व्हाटएवर योर डिमांड इज, अगर वो मैच करती है डीए से तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। ऑलराइट, एज यू सेड कि मतलब ये चीज थोड़ा सा मुझे मतलब अलग लगा कि आपने बताया कि चूंकि जेड सिटी में पोस्टिंग होती है ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज 4200 ग्रेड पे में सैलरी एक्स सिटी में तो काफी अच्छी बनेगी मेरे हिसाब से, एक्स सिटी में सैलरी 50,000 तक तो बन जाएगी। राइट, बट प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि एक्स सिटी में जितने भी डिविजन्स रहते हैं वर्क डिविजन जिसमें हम लोगों की पोस्टिंग होती है, दे आर जनरली वेरी हाई बजट डिविजन, तो वहां पे पोस्टिंग सीनियर होने के बाद होती है, वहां पे अभी आपकी पोस्टिंग हो ऐसा बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर होगा कि आपको। अब मुझे वो आपका पूरा सिनेरियो समझ में आया जो आपने ये बात बोली, एक्चुअली में है क्या मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये है कि चूंकि आप एक्स सिटी में ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं है, एक्स सिटी में वैकेंसी है लेकिन वहां बजट ज्यादा होगा, और जब वहां बजट ज्यादा होगा तो आपका प्रमोशन होगा जब तब आप वहां जा सकते हो,
जब तक आपका प्रमोशन नहीं होगा तब तक आप छोटे सिटी में बैठोगे क्योंकि वहीं पे ही बजट कम होगा. Oh my God, the thing. मुझे ये चीज थोड़ा समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों जेड सिटी में ही है. उसका रीजन अब समझ में आ गया क्योंकि वहाँ बजट कम होता है और वो हमने बजट पे बात करी है प्रमोशन से रिलेटेड. प्रमोशन होता है तो बजट आपका बढ़ता जाता है. ठीक है ठीक है ओके. फिर भी अच्छा ठीक है आपने जैसे ये बताया तो फिर भी ऐसा क्यों है कि आई थिंक जैसे आपने बताया 18 में भी 17 में भी जो डीए की वैकेंसी की कट ऑफ है आई थिंक वो ऑडिटर से तो काफी अच्छी गई होगी और कुछ 4600 ग्रेड पे से भी अच्छी गई होगी. आई थिंक इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट से बेहतर गई होगी तो इतना डिमांड भी ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है. मैंने देखा है डीए की डिमांड अच्छी खासी है तो वो डिमांड का कारण क्या है. देखिए दो जब हम कंपेयर करते हैं दो पोस्ट को तो हम थोड़ा रिलेटिवली देखेंगे इन चीजों को. जैसे कि 17 में अगर जाएंगे तो 17 में सिंस एक्साइज की पोस्ट बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम में थी तो एक्साइज आगे तक गया काफी और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो इंस्पेक्टर है उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वर्कलोड अभी वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है इंस्पेक्टर्स का और थोड़ा सा क्या है सोशल रेपुटेशन भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते हैं और बहुत ही हेक्टिक वर्क है लाइक बैंक जैसा वर्क है पोस्टल इंस्पेक्टर का तो वो प्रेफर नहीं करते हैं अगर हम रिलेटिवली कंपेयर कर रहे हैं. डीए का थोड़ा सा क्या है जैसा कि एसएससी की जो जेंट्री रहती है जनरली सोशल रिस्पेक्ट एक बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है राइट और आगे के एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह वगैरह ये सब चीजें. तो डीए में अगर आपको सैलरी से दिक्कत नहीं है सैलरी के साथ दिक्कत नहीं है तो आई थिंक डीए बहुत अच्छी पोस्ट है अगर आपको सैलरी वाला प्रॉब्लम नहीं है तो. और आपको लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है कि कहाँ पर पर्टिकुलर सिटी चाहिए आपको तो डीए अच्छा है. सैलरी वाला प्रॉब्लम जो आप कह रहे हैं वो आई थिंक किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा. उसका कारण ये है कि देखिए डीए को मुझे नहीं लगता कोई 4600 ग्रेड पे के ऊपर कोई डालेगा राइट. 4600 के ऊपर कोई पोस्ट में डालेगा. इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट एक्सेप्शन है. हम इंटरव्यू करेंगे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का भी तब आपको उसका आइडिया लगेगा कि क्या है वो पोस्ट और क्यों हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. आई थिंक उसको अगर हम छोड़ें तो मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति 4200 ग्रेड पे की पोस्ट ऊपर डालेगा 4600 के. और अगर आप 4600 से नीचे डाल रहे हैं तो आई थिंक डीए एक अच्छी पोस्ट है 4200 ग्रेड पे में और कोई ऑप्शन है भी नहीं 4200 का. तो मतलब सैलरी वाला पॉइंट थोड़ा सा उतना है ही नहीं कंसीडर करने वाला क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप ज्यादा ग्रेड पे चूज करोगे तो ऑब्वियसली वही है आपको मिलेगा ना. ठीक है नहीं बट जैसा हमने 2018 में देखा कि 38 पर ओपनिंग हो गई डीए की तो ऐसे एक्सेप्शन भी कहीं ना कहीं गिर जाते हैं. ये भी अब ऐसा होता है इसलिए भी क्योंकि आप कुलदीप 2016 में भी आप सिलेक्टेड थे. आपको याद होगा एक लड़का मुझे नाम नहीं याद है बैनर्जी करके था उस ही गॉट सम रैंक इन 300-400 उसकी ऑल इंडिया रैंक 300-400 थी एंड स्टिल ही ऑप्टेड फॉर नहीं वैसे एक तो बंगाल से था ही स्टिल ही ऑप्टेड फॉर ऑडिटर इन सीजीए. और मेरे ही कानपुर से एक लड़का था उसकी रैंक भी अराउंड 400-500 थी एंड स्टिल ही ऑप्टेड फॉर ऑडिटर इन सीजीडीए. तो ऐसा वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो उनके कुछ मतलब पर्टिकुलर गोल्स होते हैं कि अब उस लड़के को कानपुर पोस्टिंग चाहिए थी उसको एकदम सेफ खेलना था उसको नहीं किसी में रिस्क लेना था एंड ही वाज जस्ट वांटेड कि अगर मेरी यहाँ टॉप रैंक होगी तो मुझे कानपुर मिल जाएगा तो इसलिए उसने लिया. ऐसे ही वो ऑडिटर वाला लड़का था क्योंकि उसको वेस्ट बंगाल चाहिए था तो उसने लिया. तो वो सबके कुछ कुछ अलग होते हैं. जो आप 38 बता रहे हैं आई थिंक उसका कुछ होगा मतलब पर्सनल इंटरेस्ट होगा. आपने जैसे बताया कि टाइम ज्यादा है इसमें शायद वो तैयारी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ ये चीजें हैं. आपके आगे के क्या. मेरा तो आगे का ये है मैं एसएससी फिर से भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ क्योंकि लोकेशन जो है बहुत ज्यादा मतलब जैसे छत्तीसगढ़ है तो अच्छा है एज अ डीए अगर आप फ्यूचर में कंटिन्यू करना चाहते हैं. जैसे कई मेरे साथ के बैच वाले हैं जो कि सेटल हो रहे हैं इसी जॉब में बट मुझे लगता है कि मैं अपने आप को फिर से एक चांस दूँ. प्लस मैं झांसी का रहने वाला हूँ यूपी में तो अगर मैं थोड़ा सा दिल्ली के नज़दीक आ जाता हूँ या भोपाल के नज़दीक आ जाता हूँ लखनऊ के नज़दीक आ जाता हूँ तो वो थोड़ा सा मैं प्रेफर करूँगा. आप लोगों को डीए के बारे में कंप्लीट आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज दिस पोस्ट अबाउट. और इट्स अ वेरी पॉपुलर मतलब इसके दो हैं. अगर किसी को पता होता है तो उसे कुछ बहुत पसंद होती है मैंने देखा है. और किसी को कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें इसके पोस्ट के बारे में मालूम ही नहीं होता है. तो बड़ी अलग सी पोस्ट है ये काफी चर्चा में रहती है. जब भी इसकी वैकेंसी आती है काफी डिमांड में भी रहती है ये पोस्ट. ऐसा नहीं है इसकी बिल्कुल अंडररेटेड है. इसकी काफी तारीफ मैंने कोरा पे पढ़ा है तो कोरा में काफी लोग इसकी काफी तारीफ करते हैं. और रीजन वही है जो भैया ने बताया कि वहां पे पोस्ट आपको टाइम मिलता है. अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की तो आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप अपनी तैयारी कर सकते हैं. और एक सोशल रिस्पेक्ट वाला बड़ा फैक्टर है. आप जिस भी स्टेट में पोस्टेड होते हैं वहां पे आपको काफी इज्जत मिलती है.
तो आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग. अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल रिप्लाई टू दैट. एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस, एंड ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच.